नमस्कार, आप देख रहे हैं वो सो पानीपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। भाई के घर राखी बांधने जा रही थी पत्नी, अपने पति के साथ बस के पीछे टकराई बाइक। हादसे में पति की हुई मौत जबकि पत्नी हुई घायल। यमुना नदी में सनोली घाट पर नहा रहे चाचा और भतीजा डूब गए नहर में। पानीपत पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चलाया सर्च अभियान। सेक्टर 23 में टीडीआई सिटी के उद्यमी आशीष बंसल द्वारा आत्महत्या करने के मामले में सामने आई नई बात। आत्महत्या से पहले उद्यमी ने की थी चाचा से फोन पर बात। थाना चांदनीबाग करेगी पूछताछ। आंसर सुशांत सिटी में सुचारू ढंग से बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने विधानसभा में उठाई आवाज, जिसके बाद आंसर सुशांत सिटी प्रबंधन की अटकी सांसें। पानीपत CE3 की टीम ने सनोलुड बबैल नाका पर एक युवक को चोरी की बाइक सहित किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। अवैध असला सप्लायर को सेक्टर 18 मोड़ से किया गया गिरफ्तार। आरोपी स्नैचिंग के एक मामले में PO भी है घोषित। पानीपत CE3 पुलिस टीम ने चुलकाना धाम श्री श्याम बाबा मंदिर परिसर से बाइक चोरी करने वाले आरोपी को नहर पुल गढ़ी सिकंदरपुर चौक के पास से किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। 32,000 और परिवारों को मिलेगा आयुष्मान का फायदा। देने होंगे 1,500 रुपए सालाना, वहीं कार्ड मिलने पर ही होगा फ्री में इलाज। अनाज मंडी के पास दो बदमाशों ने कार के बोनेट पर डाला मोबाइल ऑयल। ऑयल डालने के बाद प्रिंसिपल का पर्स छीनकर बदमाश हुए फरार। थाना चांदनीबाग पुलिस ने किया मामला दर्ज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे हो पानीपत के साथ। नमस्कार।